दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर पार्कर कंपनी के पेन इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? ये बात है 1880 के दशक की, जब एक स्कूल टीचर अपनी साइड इनकम के लिए फाउंटेन पेन बेचते थे। उसमें एक दिक्कत थी, उन पेन की स्याही लीक हो जाती थी, जिससे स्टूडेंट के हाथ और बैग खराब हो जाते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी। जॉर्ज शेफर्ड ने कस्टमर की समस्या को बहुत बारीकी से समझा और अपने फाउंटेन पेन की समस्या को सुधारने के लिए जुट गए और साल 1888 में उन्होंने पार्कर जॉइंटलेस नाम से वर्ल्ड की फर्स्ट लीक फ्री पेन को अपने तरीके से डिजाइन किया और यही पेन शेफर्ड के लिए इंस्टेंट सक्सेस बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक अपने पेन को रिफिल करने के लिए एक छोटी सी इंक बोतल कैरी करते थे जो बार बार टूट जाती थी या गिर जाती थी, जिससे सैनिकों के कई बार कपड़े और हाथ दोनों खराब हो जाते थे। इसलिए पार्कर ने सॉलिड इंक टैब का निर्माण किया जिसको कहीं भी पानी में भिगोकर इजीली यूज करा जा सकता था। शेफर्ड पार्कर ने अपनी सबसे पहली अंडरवाटर पेन, स्पेस में चलने वाली पेन, रिट्रैक्टेबल पेन बनाई। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी का सरेंडर करना या यूएन चार्टर जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए पार्कर पेन का ही यूज करा गया था। और दोस्तों, आज भी ऐसे कई हिस्टोरिकल इवेंट्स और डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए पार्कर पेन का ही यूज करा जाता है।